गेट आगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो तुम लोग? सो एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ इको पार्क, और इको पार्क खुलने का टाइम है 2 बजे। सो अभी बज रहे सुबह के 9:30। सो मुझे वेट करना पड़ेगा चार से पाँच घंटा समथिंग, देन उसके बाद इको पार्क। सो अभी थोड़ा बहुत काम बाकी, कुछ भी नहीं है। सो यहीं वहीं घूमना है, देन निकलना है इको पार्क के लिए। और अभी मैं कोलकाता में ही हूँ, और आज मेरा शाम का पटना के लिए ट्रेन है। सो ज़्यादा बकौती करने का फ़ायदा नहीं है, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। करो यार, चलो शुरू करते हैं। बैग ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, और दिस इज माय शूज। और मम्मी ने एक ब्लैंकेट दिया है मेरे लिए, पटना में मेरे पास ब्लैंकेट था नहीं, ये वाला ब्लैंकेट। और ये वाला बैग थोड़ा सा भारी है, बट मैं मैनेज कर लूँगा यार। ये और ये दिस इज सही गाइस, अभी के बज रहे 1, और अभी पहुंच चुके हैं इको पार्क गेट नंबर 1 पे, और यहां से हम लोग को जाना है गेट नंबर 2। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वेस्टिन, और चलते हैं। 1 घंटा ऐसे ही टाइम वेस्ट करना है, उसके बाद ही एंट्री मिलेगा, क्योंकि अभी इको पार्क मेंटेनेंस चलता है 1 बजे तक। तो चलते हैं आगे। कर चुके हैं, और यहाँ से मतलब गेट नंबर 2 पे हम लोग, और यहाँ पे लेक साइड पे ही है। और वेदर की बात करें तो वेदर थोड़ा सा सनी है, और क्लाउडी भी नहीं है, और लेक बगल में होने के कारण से मतलब हवा बहुत अच्छा आ रहा है, ठंडा ठंडा, तो सही है। और आगे चलते आगे देखते हैं। फाइनली एंटर कर चुके हैं, और अभी अंदर ही है, गेट नंबर 2 से हम लोग एंटर किए, जिसका नाम है प्रगति संघा ऐसे कुछ है। और यहाँ पे फोटोज़ भी आप क्लिक कर सकते हो, और व्यू की बात करें तो आप देख सकते हो व्यू जस्ट वाओ। और वहाँ पे आईफल टावर समथिंग है। आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि माइक लाना मैं भूल चुका हूँ, बैग में था, पैक कर चुका हूँ, इसलिए मैं माइक नहीं लाऊँ। बट जितना कोशिश करूँगा मैं कवर कर दूँ, और आगे भी जाके घूमना है, सब कुछ मैं इस ब्लॉग में दूंगा, तो ब्लॉग में पूरा इंटक बने रहना प्लीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो था रोज़ गार्डन, एंड देन ये है एक पार्क, एंड ये आई थिंक क्या चीज़ का पेड़ नहीं पता, बट व्हाट इज दिस, इसका आँख ही नहीं है। स्टेशन, और यहाँ पे आप लोग नॉर्मली आके तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द केस यही होता है क्या कि यहाँ पे मज़ा ही आता है, एंजॉय, और मज़ा आ रहा है घूमने में। यहाँ पे कुछ रंग बिरंगा कुछ दिख रहा है, दिस इज द आर्टिफिशियल मॉडल हिरन का, और देख सकते हो कलर ग्रेड क्या हो, तो इसलिए थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लग रहा है विदाउट एडिटिंग। ओके, और यहाँ पे दिया गया है डोंट टच और एल्स फाइन, लाइक 500 रुपया फाइन लगेगा। सोच रहे हो कि ये पार्क को आप एक दिन में कवर कर लोगे, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और आगे है बटरफ्लाई गार्डन, वहाँ पे अभी एंट्री है या नहीं पता, हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप 30 रुपीज़ में यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट लॉस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे आपको परचेस करना पड़ेगा, सही नहीं है। सो मैं आगे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से कवर कर देता हूँ, और बटरफ्लाई गार्डन चलते हैं, वहाँ पे जाके हम उस आगे 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 गाड़ी लगाऊंगा। सो अभी
अभी जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन और ये है इंट्रेंस बटरफ्लाई गार्डन। गार्डन में अलाउ नहीं था फोटो फोटोज और वीडियोस लेने के लिए, इसलिए मैंने वहाँ पे लिया भी नहीं। और फिर मैं अब बटरफ्लाई गार्डन से निकल रहा हूँ और ये थोड़ा सा पेड़ से बना हुआ हैवी लग। एक्चुअली एक बात बताओ तो ये लोकेशन कपल जोन होता है एक तरीके से। मैं जब भी आया यहाँ पे ऑलमोस्ट हर पेड़ के नीचे कपल मिला है, लाइक कोई भी आके बैठ जाता है यहाँ पे। सो उस जगह पे आज आया हूँ तो आज मतलब ऑन टाइम आया हूँ, टाइम से पहले इंटर कर चुका हूँ, इसलिए मे बी मुझे उतना भी वैसा माहौल नहीं मिला, बट फिर भी है ठीक ठाक। हेल्थ सेंटर, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप पूछ सकते हो कि आपको गाइड कर देंगे कहाँ जाना कहाँ नहीं। और दिस इज़ द लोकेशन बड़ा इच्छी। सो दिस इज़ द टिकट प्राइस, 350। सो अभी साइकिल राइड, इसका प्राइस है आधा घंटा के लिए, आपको अगर लेना है तो 150 लगता है, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको। उसका प्राइस है 500। जब आप साइकिल रिटर्न करते हो तब आपको वो 350 मिल जाएगा 150 काट के। ये सब लोकेशन में आप आराम से बैठ सकते हो। अगर पार्क एक दिन में घूमना है तो मैं प्रेफर करूँगा साइकिल ज़रूर लो। और अच्छा लग रहा है यार। आधा गार्डन मैं कवर कर लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पहले एक्सलेटर, ये मतलब क्या बोलता है उसको, हावर बोर्ड का फैसिलिटी था बट अभी नहीं है, तो अभी सिर्फ बाईसाइकिल ही मिल रहा है। और ये है कपल ट्रीज, यहाँ पे जितने भी कपल्स लोग आते हैं वही मैक्सिमम यहाँ पे। पैदल मार मार के दम निकल चुका है मेरा, गंडी फटी हुई है बट कोई नहीं, मजा आ रहा है। आने से एक चीज बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो धूप हो या छाओ लिटरली मजा ही आता है। और मैं अभी जा रहा हूँ हाँ एलिफेंट के पास, पूरा जस्ट लुक लाइक अ पूरा एक होता नहीं है रियलिस्टिक फील आएगा, बट दिस इज द आर्टिफिशियल और मे बी ये सीमेंट से बनाया गया हो। और देख सकते हो पूरा रियलिस्टिक लग रहा है मुझे तो। आ चुके हैं गेट नंबर 3 क्रॉस करके, ठीक है। ये गेट नंबर 3 में ही काउंट किया जाएगा। मुझे यहाँ पे एक ट्रेन दिखा, ये ट्रेन मैं लाइक यहाँ पे बहुत बार आया हूँ तो मुझे पता है, बट दिखाने के लिए मैं फिर से बोल देता हूँ, एक ट्रेन है ठीक है। स्टेशन का नाम है घूम जो लिखा हुआ है, आपको स्टेशन भी दिखा देता हूँ। बट यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, ग्रीनिस एरिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलाउ नहीं है, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया है। और ये स्टेशन, यहाँ पे आप, ये जैक्सन है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो आराम से। और ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप जाके खाना वाना भी खा सकते हो। सो इट्स अ गार्डन को। और अगर ये स्टेशन में फ़ोटोशूट करना चाहते हैं गाड़ी के अंदर जाके, तो आपको 10 रुपये का पर हेड टिकट लेना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। और दिस इज़ द स्टेशन। सो एक्चुअली बात ये है कि मेरा फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा
फ्रेम ड्रॉप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप है, फ़ोन थोड़ा सा हीट हो चुका है और बहुत सारा डेटा मेरे फ़ोन में है, लाइक वीडियोज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप का तो उसे अवॉइड करना, और छाव ढूंढना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, और आगे पार्क है वो उसको भी कवर करूँगा। तो फिर से जा रहे हैं गेट नंबर 2 के पास, एंड 2 से होते हुए गेट नंबर 1 जाना है क्योंकि वहाँ पे आईफेल टावर है, जो आर्टिफिशियल आईफेल टावर बना है वहाँ पे जाना है। स्ट्रक्चर बना हुआ वो भी बहुत ही नियर बाई है, तो वहाँ चलेंगे। उससे पहले मैं ये घूम लेता हूँ, गार्डन बहुत ही मस्त है और लिटरली बोलूँ तो आप यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ। और ये सब स्टैचूज दिस इज़ नॉट अ पेरिस का आईफेल टावर, ये है कोलकाता का आईफेल टावर, सो डोंट बी कन्फ्यूज। और दिस व्यू इज़ अ वेरी लुक ऑसम, एंड आई जस्ट फाउंड द एग्जिट गेट, मे बी दिस इज़ द एग्जिट गेट, बट लिटरली बोलूँ तो बहुत मस्त लग रहा है। थोड़ा सा रस लाइट है, सो आई विल ट्राई टू फिक्स दैट रस लाइट, बट लुक ऑसम। आप चाहे तो ऊपर जा भी सकते हो, बट लुक गुड। यह एलपी मॉडल, एलपी है ना ये, दूर से थोड़ा छोटा लग रहा था बट सामने से काफ़ी बड़ा है यार। और आप इसके अंदर एंटर भी कर सकते हो, यहाँ पे लिफ्ट का फैसिलिटी दिया गया, ठीक है, लिफ्ट ऊपर इस फ्लोर तक जा सकते हो और उस फ्लोर पे भी जा सकते हो आप, और यहाँ से आपको एंट्री करवाना पड़ेगा, ठीक है। और दिस इज़ द, तो अभी हम लोग एग्जिट कर चुके हैं इको पार्क से, और दिस इज़ नॉट अ इको पार्क अ प्रॉपर्टी या आईफेल टावर, और लाइक अभी यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे घर की तरफ, और यही हुआ लास्ट लास्ट जर्नी बोल सकते हो यहाँ इको पार्क का, यहीं पे एंड। और यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है इको पार्क से, जस्ट निकले तभी पता चला, और फिर मिलते हैं, कॉपीराइट पड़ेगा, चलिए।